हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ आ चुके हैं एम्स रायपुर .edu.in पे। तो ये दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर का साइट से यहाँ आने के बाद जो आपको अभी वैकेंसी आई हुई है स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की, तो उसमें कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको आ जाना है होम पे। होम पे आने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए बहुत सारे जो इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ बहुत सारे जॉब्स के वैकेंसीज आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो आप देख सकेंगे, यहाँ पास एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट्स नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस एम्स रायपुर एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसके अलावा सारी चीज़ है। तो अब इसके बाद यहाँ डाउनलोड्स है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ इसके जितने सारे वैकेंसी आए हुए हैं उसके ऊपर आप देखेंगे वो सारे आपको शो यहाँ होने लगेंगे। यहाँ वैकेंसीज़ के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ नेटवर्क थोड़ी सी स्लो है, उसकी वजह से अभी थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है, नोटिफिकेशन फॉर वेरियस वैकेंसीज़, जितने वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ सर्च सर्च का ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स। तो यहाँ आप यहाँ आने के बाद राइट साइड को स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और जाने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए इसका इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। तो इसमें स्टार्टिंग डेट 28 जून से 21 जुलाई तक है और इसके बाद इसका डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में इसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपको करना है इसका पूरा नोटिफिकेशन और जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद नए टैब में ओपन हो जाता है। नए टैब ओपन होने के बाद नीचे आइए दोस्तों, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है एग्जिस्ट यूज़र और नीचे है फॉरगेट पासवर्ड्स। फ्रेंड्स अगर आपको इसके बारे में भी पता नहीं चलता, यहाँ हाउ टू अप्लाई में क्लिक करके भी आप इसको जान सकते हैं इसका डिटेल के बारे में। तो सब चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है, अगर आप पहले से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तब आपको एग्जाइटिंग यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अब बताता हूँ आपको कैसे फिल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए सेलेक्ट पोस्ट का नाम, तो यहाँ पोस्ट का नाम नर्सिंग ऑफिसर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको डन करने के बाद आप अपना पूरा नाम लिख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ अपना नाम लिख लिया, शैलेश कुमार मेरा नाम। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ चलिए मैं डाल देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ ईमेल आईडी डालना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ कैपिटल हो या स्मॉल आप कुछ में भी लिखें, यहाँ सब कैपिटल में ही लिखाता है gmail.com। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मोबाइल नंबर डालना है आपको, तो यहाँ चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ कैप्चा है, इस कैप्चा को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी आने के बाद फ्रेंड्स आपको सबमिट के ऊपर यहाँ क्लिक कर देना है, ये सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही जब आप सबमिट कर लेंगे इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, यहाँ देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल। इसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, नीचे इसके नीचे पासवर्ड है फ्रेंड्स, वो पासवर्ड मिल जाएगा। तो अभी मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से इसको नहीं ओपन कर रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ मेरा लॉगिन आईडी है फ्रेंड्स 3156, इसके आगे 2 डिजिट और भी हैं। इसके बाद नीचे पासवर्ड दिया है, तो अब इसको आपको लॉगिन करना है फ्रेंड्स। अब जब आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इसके बाद आपको करना क्या है, एग्जाइटिंग यूज़र्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला है आप उसको फिल कर लीजिए। तो मैं यहाँ चलिए फिल कर लेता हूँ फ्रेंड्स। जब आप लॉगिन आईडी डालने के बाद अब जब ओपन करेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, तो यहाँ आपको फिर से पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाता है। तो आप यहाँ ओल्ड पासवर्ड को डालेंगे, तो यहाँ चलिए मैं ओल्ड पासवर्ड डाल लेता हूँ और न्यू पासवर्ड डाल के इसको कंफर्म कर लेता हूँ। और इसमें बता रहे हैं कि एक अप करेक्ट और एंड अल्फ़ाबेट, एक लोअर करेक्ट, एक नंबर एंड एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। तो ये सारे होना चाहिए। तो चलिए यहाँ मैं डालता हूँ अभी अपना
देखिए फ्रेंड्स, मैंने पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज कर लिया है, तो यहाँ आप भी ऐसे ही चेंज कर लीजिएगा। इसको रिमेम्बर मैं कर लेता हूँ ताकि आपको फिर से प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ चलिए फिर से लॉगिन आपको करना है, तो यहाँ मैं लॉगिन करता हूँ। फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद यहाँ देखिए सबमिट करूँगा, पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, तो यहाँ पोस्ट नेम, फुल नेम यहाँ आ चुका है, मेरा डेट ऑफ बर्थ आ चुका है सारा चीज़। इसके बाद यहाँ देखिए फादर्स या गार्जियंस नेम लिखा हुआ है, मदर्स नेम लिखा हुआ है, इसके बाद जेंडर लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका आधार नंबर डालना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ कैटेगरीज डालना है। कैटेगरी के बाद वेदर एम्प्लॉय ऑफ एम्स, अगर एम्स में है तो रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल है तो उसके बारे में आपको बताना है, यस नो में। इसके बाद एज रिलेक्शंस रिक्वायर्ड्स करना है, तो यस या नो। एक्स सर्विसमैन है या नहीं, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन विद डिसेबिलिटी है कि नहीं इसको, इसके बाद वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं, इसके बाद आई हेयर बाई क्लियर सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये सेकेंड पेज ओपन होगा, तो यहाँ चलिए मैं फिल कर लेता हूँ, बिना फिल किए हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स फिल करता हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ देखिए फॉर्म पूरा फिल कर चुका हूँ, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यह सेव हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ी सी टाइमिंग लग रही है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। पता नहीं किस कारण से अभी हो नहीं रहा है। सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ आ चुका है, अब यहाँ अपना एड्रेस डालना है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ चलिए अपना एड्रेस डाल लेता हूँ। तो यहाँ एड्रेस अम्बिका, यहाँ आपको स्टेट चुनना है फ्रेंड्स, तो आप जिस स्टेट से हैं तो चलिए मैं छत्तीसगढ़ ही चुन लेता हूँ। इसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट से तो डिस्ट्रिक्ट भी चुन लेते हैं, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट सरगुजा आता है, तो सरगुजा। इसके बाद यहाँ सिटी है तो सिटी अंबिकापुर है फ्रेंड्स, अंबिकापुर। इसके बाद इसका पिन कोड है फ्रेंड्स, तो पिन कोड है यहाँ का 497001 अंबिकापुर का। सेम परमानेंट एड्रेस भी सेम है, सेम अगर कर देता हूँ तो सेम एज परमानेंट एड्रेस। और एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ आपको जिस एग्ज़ाम सिटी पे चूज़ करना है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स एग्ज़ाम सिटी अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, बिलासपुर, तो यहाँ मैं बिलासपुर चूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद रेफरेंस सेकेंड में इस वक्त फ्रेंड्स यहाँ सेकेंड वाला अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ये हो चुका है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, इसके बाद यहाँ क्वालिफ़िकेशन टेंथ के बारे में फिल्ड करना है, टेंथ ट्वेल्थ, इसके बाद एनी अदर क्वालिफ़िकेशन सेकेंड एंड थर्ड, इसके बाद आप अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए बताया गया, किंतु यहाँ नोट में दिया गया है कि फॉर डिप्लोमा वर्क एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, फॉर ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस इज नॉन मैंडेटरी। जो ग्रेजुएशन किया है उसके लिए 2 इयर्स की जो आपको चाहिए एक्सपीरियंस उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद यहाँ फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं सब फिल करने के बाद। इसको सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स हमारे क्वालिफिकेशन सबमिट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाने के बाद नेक्स्ट में आता है रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो 100 KB का होना चाहिए और कैंडिडेट सिग्नेचर जो 80 KB का होना चाहिए फ्रेंड्स अधिकतम। तो चलिए इसको चूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरा एप्लीकेशन का नंबर है और पोस्ट का जो टाइप हो नर्सिंग ऑफिसर Grade 2। इसके बाद दोस्तों मेरा डेट ऑफ बर्थ और सारे हैं, तो अभी फ्रेंड्स मैं उस सबको आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं
मेरा फॉर्म, इधर देखिए एक्सपीरियंस यह है कि नहीं, मेरा मोबाइल नंबर एड्रेस सारा इसमें दिया हुआ है, और मेरा जो क्वालिफिकेशंस है बिलासपुर, जो एग्ज़ाम सिटी मैंने चूज़ किया बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, बीएससी का डिप्लोमा, साथ में जो परसेंटेज दिया हुआ है, एक्सपीरियंस है या नहीं, इसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट्स या मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्जिट करके आप इसको बाद में भी फिर से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं प्रोसीड टू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए अभी थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, समय ले रहा है लोडिंग लेने पे। ये हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्डर नंबर आ रहा है, एक्चुअल फीस 1000 है हमारा। तो इसके बाद पे ऑनलाइन करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए पेमेंट मेथड आपको बता रहा है, तो यहाँ पेमेंट मेथड में कार्ड्स आ गया। अब यहाँ कार्ड्स के नंबर, एक्सपायरी डेट्स, कार्ड होल्डर नेम और सीसीवी और करके 1000 आपको पे कर देना है। पे करने के बाद आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगा आपका इसका सोल्यूशन।